नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे OPS, NPS, UPS। OPS पुरानी पेंशन स्कीम, NPS न्यू पेंशन स्कीम, UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तीनों स्कीमें सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। OPS पहले थी, अब नहीं रही। NPS को और UPS दोनों भी वर्तमान में चल रही है। 2004 से पहले जो कर्मचारी थे उनके लिए OPS लागू थी। क्या होता था ओपीएस में? ओपीएस में होता था कर्मचारी अपना तनख्वाह में से पेट से अपने सेवा काल में कटवाता रहता था। जितना भी पैसा कटवाता था वो कर्मचारी को लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम पर पूरा पैसा दे दिया जाता था। उसके बाद सरकार उसको पेंशन देती थी जो कि उसके अंतिम बेसिक का आधा प्लस उसमें जितना डीए चल रहा होता था उतना डीए मिलता था। यानी कि लगभग आधी पेंशन मिलती थी, सरकार देती रहती थी, उसमें बढ़ोतरी होती रहती थी। जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता था तो वो पेंशन बढ़ती जाती थी। 70 साल पे 20%, 80 साल पे ऐसे ही कुछ पेंशन बढ़ती जाती थी। तो वो सिस्टम था ओपीएस में। उसके बाद बात करते हैं एनपीएस आई। 2004 के बाद एनपीएस आ गई। एनपीएस में क्या होता था, कर्मचारी को कटवाना पड़ता था अपना 10% बेसिक डीए का, 10% उसकी सैलरी में से काटा जाता था। अब एनपीएस का समझिए आप, एनपीएस में सरकार को कुछ नहीं देना पड़ता था, सारी पेंशन जो है अपने अंशदान से ही अपने को लेनी पड़ती थी। मान लीजिए आपकी 30 साल की सर्विस में आपने 10% पैसा आपका और इतना ही 14% केंद्र में, जबकि राज्यों में 10% ही सरकारें मिला रही हैं, सरकारें पैसा उसमें मिलाती थी एनपीएस में। तो लास्ट में मान लीजिए आपका पैसा टोटल आपका 10%, सरकार का 10%, राजस्थान में 10% सरकार मिलाती है, केंद्र में 14% मिलाती है, तो वो टोटल पैसा आपका मान लीजिए 1 करोड़ हो गया। उदाहरण से समझ रहे हैं, तो रिटायरमेंट पे आपको दे दिया जाएगा 60% पैसा आपको रिटायरमेंट पे एक मुश्त मिलेगा, यानी कि आपको 60 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे रिटायरमेंट पर। जो बाकी के 40 लाख रुपए हैं उसकी आपको एन्यूटी खरीदनी पड़ेगी, यानी कि आपको 40 लाख रुपए उसी से आपको मिलेगी पेंशन। उसमें भी 40 लाख रुपए में कई प्लान होते थे, 2-3 प्लान ऐसे थे जिसमें आपको 40 लाख रुपए पे 5% या 5.5% के हिसाब से ब्याज मिलता था, यानी कि वो ब्याज ही आपका पेंशन होती थी। और बाद में आपकी मृत्यु के उपरांत आपके नॉमिनी को वो 40 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी कि जो भी रकम है, मैं उदाहरण 40 लाख 1 करोड़ का दे रहा हूं। तो इस तरह का एनपीएस में प्रावधान था। तो इसमें पेंशन मुश्किल से बहुत ही कम बनती थी, अगर किसी की छोटी सर्विस है तो उसको मात्र 5,000-2,000 पेंशन बनती थी। तो इसमें जिसकी जितनी ज्यादा रकम उसकी उतनी ज्यादा पेंशन, और 40 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी आपकी पेंशन बनेगी मुश्किल से 20,000 से 25,000 रुपए, क्योंकि 5% 5.5% का उस पर रिटर्न मिलता है। तो चलिए, ये एनपीएस था, ये मार्केट के आधार पर था। अगर मार्केट रिटर्न अच्छा है तो अच्छी पेंशन मिल जाएगी, मार्केट रिटर्न ठीक नहीं है तो आपको अच्छी पेंशन नहीं मिलेगी। तो कोई नहीं, पूरा शेयर मार्केट पर आधारित था। अब बात करते हैं यूपीएस की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। चलिए दोस्तों, इसमें अब क्या जानकारी सामने निकल के आ रही है, क्यों उसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं यूपीएस का। देखिए, इसमें क्या है कि सरकार आपको लास्ट में आपके पेंशन का बेसिक का 50% देगी, पूरे साल के बेसिक का, जो भी आपका रिटायरमेंट वाला साल होगा उसके 12 अंतिम 12 महीने का आपको 50% बेसिक देगी। और इसमें औद्योगिक इंडेक्शन के हिसाब से महंगाई जोड़ी जाएगी, तो चलो ये भी ठीक है। अब इसमें क्या है, आप कर्मचारी को वो 10% जो राशि है वो कर्मचारी को इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करनी है, और सरकार इसमें करेगी 18%। मान लीजिए हमने रिटायरमेंट के टाइम पे हमारा रुपया टोटल लमसम फिर से 1 करोड़ हो गया, हम उदाहरण दे रहे हैं, यूपीएस में हमारा 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट पे हो गया, तो सरकार हमें यूपीएस में रिटायरमेंट के टाइम पे उस 1 करोड़ में से मुश्किल से देगी 15 लाख रुपए, यानी कि 6 महीने की सर्विस का 10वां हिस्सा लगा के उसको गुणा करके कुछ इस तरह का सिस्टम है, तो मुश्किल से आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख मिल जाएंगे, 20 लाख मिल जाएंगे, 10 लाख मिल जाएंगे, कुछ इस तरह आपको राशि मिलेगी रिटायरमेंट पे। अब आपका तो पैसा 1 करोड़ था, तो बाकी जो 80-85 लाख रुपया आपका बचेगा उसको सरकार अपने पास रखेगी और उससे देगी आपको पेंशन। ये बात निकल के सामने आ, उससे आपको पेंशन मिलेगी। मान लीजिए आप 60 साल रिटायर हुए और आप 65 साल की उम्र तक जाकर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो भैया फिर उसका जो पैसा है वो गया, वो तो अपना पैसा 85 लाख तो वापस भी नहीं ले पाया भाई, आधी पेंशन कितनी बन जाएगी, 50,000 बन जाएगी, 60,000 बन जाएगी। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कर्मचारियों को, बहुत ज्यादा इसमें इसका विरोध हो रहा है कि ये तो एनपीएस से भी बेकार स्कीम है। एनपीएस में कम से कम पैसा अपना पूरा मिल तो जाता था, इसमें तो सरकार पूरा पैसा रख लेगी,
और मान लीजिए आप 80-85 लाख रुपए सरकार रख लेती है तो उसका ब्याज से आप पेंशन पा सकते हो। तो ये इस तरह का कुछ प्रावधान यूपीएस में जो सामने निकल के आ रहा है, अभी तक सरकार ने ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इस तरह का जो प्रावधान है वो निकल के आ रहा है। तो इससे तो ये कर्मचारी कह रहे हैं कि भैया ये तो एनपीएस से भी बेकार स्कीम है। तो दोस्तों देखिए, देखते हैं आगे सरकार क्या होती है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया। जहां जहां पर केंद्र में बीजेपी सरकार है तो राज्यों में जब बीजेपी सरकार है तो संभवतः इस स्कीम को लागू किया जाएगा। और अब देखना है कर्मचारी संगठन इसके लिए क्या करते हैं, इसे अपनाते हैं या एनपीएस अपनाते हैं। और इसमें विकल्प भी दिया गया है आपको, एनपीएस और ओपीएस में से आप अपना सकते हो किसी को भी जो भी आपको अच्छी लगे। तो धन्यवाद दोस्तों।